हेलो गाइज़, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइज़, आईटीआई वालों के लिए बहुत बड़ी अपडेट कहें तो आ चुकी है एनसीबीटी की तरफ से। तो गाइज़, आप लोग का जो है एग्जामिनेशन का कहें तो शेड्यूल आ चुका है, साथ ही साथ दो तीन अपडेट्स हैं आज के लिए। आज के डेट में दो तीन अपडेट्स हैं जिसमें कि शेड्यूल भी आप लोग का दे दिया गया है एग्जामिनेशन से रिलेटेड। दूसरी बात कि सीबीटी एग्जाम कब से शुरू होंगे और ईडी प्रैक्टिकल का एग्जाम कब से शुरू होगा। सप्लीमेंट्री का जो लिंक था, सप्लीमेंट्री वालों का या बैक पेपर वालों का जो लिंक था, फीस लिंक, वो एक्टिव नहीं था, उसको भी एक्टिव कर दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों पर मैं चर्चा करूंगा आज। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, आप अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आज का होने वाला है, आज का सेशन होगा। और इसके साथ में एक और वीडियो साथ में आप लोग को मिलेगा जिसमें कि आपको पूरा अच्छे से शेड्यूल समझा दिया जाएगा कि किनका किनका किस डेट में एग्जामिनेशन है। तो चलिए, मैं आज का जो ये वीडियो है इसको स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ये जो है नोटिस आपको डीजीटी की तरफ से ये दिया गया है जिसमें कि सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स, लाइक जो बैक पेपर कैंडिडेट्स या सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स हैं जिनका कि बैक रह गया था, और दूसरे ऐसे बच्चे जो कि लेफ्ट ओवर ट्रेनीज हैं, लाइक जो दिसंबर से अप्रैल तक जो एग्जामिनेशन करा रही थी सीबीटी एग्जाम और उसमें जो बच्चे नहीं दे सके, वैसे बच्चे लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स में आते हैं, तो उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण जो नोटिस है, देखिए क्या है। सबसे पहली बात यह है कि सीबीटी एग्जाम जो है आप लोग का, सीबीटी एग्जाम 23 अगस्त 2021 से स्टार्ट होने वाला है। मैं आप लोग को बोल भी रहा था कि थर्ड वीक या फिर सेकेंड वीक ऑफ अगस्त से का एग्जामिनेशन सीबीटी लिया जाएगा, और वही देखिए यहां भी मिल रहा है, आप देखने को आप लोग यहां पढ़ सकते हैं 23 अगस्त 2021। और प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि ऑफलाइन होता है, आपके कॉलेज में ही होता है, उसका जो एग्जाम होगा वो सितंबर 13 सितंबर से वो शुरू होगा। 13 सितंबर वाला जो आपका जो शेड्यूल है उसका टाइम टेबल भी बतौर दे चुका है एनसीबीटी अपने साइट पे, उसका उस पर भी मैं वीडियो बनाया हूँ, वो भी आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस दिन किसका किनका एग्जाम है, कौन सा सेशन का एग्जाम है, सभी बातें मैं आज क्लियर करूंगा, आप लोग बस अंत तक बने रहिएगा। देखिए 2020 AITT 2020, जो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2020 वाला जो था, मतलब जो ये एग्जामिनेशन है आपका ITI का, NCVT वाला, तो ये देखिए दिसंबर 2020 से स्टार्ट हुआ और अप्रैल 2021 तक ये मतलब कंटिन्यू एग्जाम लिया गया, जिसमें कि 4.2 लाख ट्रेनिंग जो है एग्जामिनेशन में अपियर हुए। इसका रिजल्ट जो आया, जो रिजल्ट आपका मई में दिया गया था, इसमें 70% बच्चे पास हुए, ठीक है, 70% बच्चे पास हुए। फिर बच्चों ने ग्रीवेंस भी डाला, कुछ बच्चों ने जिनको लगा कि मेरा मार्क्स सही नहीं आया तो ग्रीवेंस भी डाला गया, तो ग्रीवेंस का भी जो है अभी नीमी के पोर्टल पे उसका रिजोल्यूशन दिया जा चुका है। तो जिन बच्चों का रिजोल्यूशन के बाद भी ऐसे बच्चे होंगे जिनका कि मान लिया जाए कोई फेल है, ओके, जो इस बार जो रिजल्ट आया मई में उसमें मान लीजिए कि कोई बच्चे फेल हो गए हैं, तो और उनका रिजोल्यूशन में फिर से वो फेल हैं, तो उनके लिए सेपरेटली फिर से एग्जामिनेशन उनको देना पड़ेगा। उसका भी पेमेंट लिंक जो है अलग से जारी किया जाएगा, उनको पेमेंट दे करके फिर से एग्जामिनेशन में अटेंड करना है, एग्जामिनेशन उनको फिर से देना पड़ेगा, ओके। और उसके आगे देखिए, दूसरी बात है कि सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन या बैक पेपर एग्जामिनेशन या फिर सेमेस्टर वाले सिस्टम के जो बच्चे हैं या फिर 2018 सेशन के जो फर्स्ट ईयर कैंडिडेट्स जो जिनका कि बैक लगा हुआ है, ठीक है, इन सब का जो पेमेंट लिंक है वो नीमी के पोर्टल में एक्टिव किया जा चुका है। 10 अगस्त तक लास्ट डेट है, इसके बाद कोई फर्दर जो है आपको फिर से मौका नहीं दिया जाएगा पेमेंट करने का। तो आप लोग ये डेट सुनिश्चित कर लीजिए, 10 अगस्त से पहले अपना पेमेंट जरूर कर दीजिएगा। 376 रुपीज़ है पेमेंट का जो वैल्यू है, वो आपको पेमेंट करना है, और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कर रखा है वो उनको फिर से करने की जरूरत नहीं है, तो आप अपना चेक भी कर लीजिएगा, ओके। आइए, अच्छा, अब इसमें देखिए ग्रीवेंस की बात बोली गई है, जिसमें कि ये कहा गया है कि करीब करीब 30,000 जो है ग्रीवेंस डाले गए, जिनमें से कि आपका रिजल्ट से रिलेटेड जो है 30,000 सीबीटी रिजल्ट से रिलेटेड डाला गया, और इसमें 6,275 जो है ईडी और प्रैक्टिकल का जो है रिजल्ट से रिलेटेड ग्रीवेंस डाला गया था, ओके। तो वही बात कहा गया है कि यदि आप लोग सेटिस्फाई नहीं थे तो जिस वजह से ग्रीवेंस आप लोगों ने डाला था, बहुत सारे बच्चों ने डाला था, लेकिन उसके बाद भी किन्हीं किन्हीं का जो है रिजोल्यूशन, अभी तो जो है ग्रीवेंस का पूरा जो है रिजोल्यूशन आप चेक कर पाइएगा नीमी के पोर्टल में, आप लोग जाकर अपना चेक कीजिए, वो भी यहाँ पे बोला गया है कि वो सारे का रिजोल्यूशन दे दिया गया है, अच्छा, तो आप लोग चेक कीजिए। और जिनका रिजोल्यूशन के बाद भी कोई लाइक फेल थे और पास वो फिर भी नहीं हो पाए हैं, ओके, तो उनको फिर से जो है क्या करना होगा, फीस लिंक जो है उनको ओपन होगा उनका सेपरेटली। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फीस लिंक फॉर सच केसेस विल बी ओपन सेपरेटली, ओके, तो आप लोग को फिर से जो है फीस लिंक पे क्लिक करना होगा और फिर आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट करना होगा, क्योंकि आपको री अपियर होना होगा एग्जामिनेशन में पास करने के लिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, ओके। देखिए, द शेड्यूल फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर द रेस्ट वाइल सेमेस्टर स्कीम CTS शैल बी इशूड सेपरेटली। तो ये जो सेमेस्टर का जो आपका या फिर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन या बैक पेपर का जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी आ चुका है, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में अभी जो आपका यहाँ पे आ रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और आपको शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, चलिए, इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह के अपडेट्स आप तक मैं लाता रहता हूँ और बिल्कुल ही ऑथेंटिक जानकारी आपको देता हूँ और बिल्कुल ही क्लियर कट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं गाइज, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।